हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं कॉनकॉर्ड प्लेन के बारे में। कॉनकॉर्ड प्लेन दुनिया का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन था, जो सबसे पहले सर्विस में लाया गया था 1976 में, और इसको बनाया गया था और सबसे पहले ऑपरेट किया गया था यूके और फ्रांस के द्वारा। लेकिन इसके इतनी लंबी सर्विस के बावजूद भी इसको 2003 में रिटायर होना पड़ा। रिटायर होने के क्या कारण थे कि इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑपरेट करने से मना कर दिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको कम टाइम के लिए ऑपरेट किया, लेकिन फाइनली यूके एंड फ्रांस को भी इसको रिटायर करना पड़ा। उसी रिटायरमेंट के बारे में कि कॉनकॉर्ड क्यों स्टॉप हुआ, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसके जो कारण है वो एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला इसका और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये रहा कि ये प्लेन था अमीर लोगों का, इसको अफोर्ड करना आम आदमी की बात नहीं थी। इसका जो टिकट फेयर था वो आज की चीपेस्ट फ्लाइट से लगभग 30 गुना ज़्यादा हुआ करता था। आप समझिए कि अगर बेंगलोर से दिल्ली जाने का किराया लगभग 5 है, तो इस प्लेन के हिसाब से आपको इसका किराया लगभग 1-1.25 लाख देना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा किराया इसका अफोर्ड हर कोई नहीं कर पाता था, और ये प्लेन की जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, 100 लोग के आसपास इसमें बैठ सकते थे, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण ये प्लेन काफ़ी टाइम तक प्रॉफिट में चला। लेकिन नॉर्मली ये प्रॉफिट में नहीं चला, तो इसको इसी की कंट्रीज़ ने, ओरिजिन कंट्रीज़ ने बंद कर दिया। ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है इसको बंद करने का। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब ये सोनिक बूम क्रिएट करता था, जब ये साउंड की वेलोसिटी को क्रॉस करता था, तो बिल्डिंग्स के ऊपर से निकलने के कारण बिल्डिंग्स में वाइब्रेशन पैदा होती थी, जिसके कारण इस प्लेन को हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करना पड़ता था। और हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्टेज। और तीसरा इसका कारण था कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में 2001 में, और उसके बाद भी लोगों ने एयर सर्विस को बहुत कम यूज़ किया, पूरी एविएशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, उसके कारण भी इस प्लेन सर्विस के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। तो ये भी एक फैक्टर था। और मेन बड़ा फैक्टर तो ये था कि 2000 के बाद लोगों ने इसको यूज़ करना ही बंद कर दिया। जब इसका एकमात्र कॉनकॉर्ड का एक्सीडेंट हुआ था जर्मनी से, जब ये टेक ऑफ कर रहा था, तो एक मिनट के बाद ही प्लेन ब्लास्ट हो गया, और जितने भी पैसेंजर थे, 100 के 100 पैसेंजर और 4 से 5 क्रू मेंबर और 5 मेंबर जो ग्राउंड पे थे, टोटल अराउंड 110 के आसपास फैटेलिटीज हुई थी, जिसके कारण लोगों ने इसको एकदम यूज़ करना कम कर दिया और इसका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरता गया, और फाइनली 2003 में इसको बैन करना पड़ा। लेकिन गाइस, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी में सबसे एक कमी थी कि ये इकोनॉमिक नहीं था लोगों के लिए। तो जब तक कोई सर्विस हमको पॉकेट फ्रेंडली नहीं लगती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगती है, तो उसको ऑब्वियसली हर कोई यूज़ करने से पहले कई बार सोचेगा। तो ये इसका मेन फैक्टर था इसको बंद करने का। और एक फैक्टर और था कि जो एविएशन कंपनी है वो सुपरसोनिक स्पीड्स को सेफ नहीं मानती, क्योंकि सोनिक बूम के कारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पीड्स के कारण इसको सेफ नहीं माना जाता। तो जब से प्लेन हमारे कमर्शियल पैसेंजर्स हुए हैं, तो सब सोनिक प्लेन से चल रहे हैं। आज के भी जितने प्लेन्स हैं, और उन सबकी जो स्पीड होती है वो 700 से लेकर 1000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही होती है, लेकिन जिस प्लेन की स्पीड थी 2180 किलोमीटर पर आर, तो कहीं ना कहीं इसको सेफ नहीं माना जाता। आज के टाइम पे भी आज देखो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो इसी स्पीड्स पे चलती है, सब सोनिक है। लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी दोबारा हमारे बीच आए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ आगे आने वाले दिनों में, तो जो 10-15 मिनट की होगी। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और अपने पॉइंट्स जरूर दें इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।